शासनीय प्रशासन, इसका दूसरा है नोटिस। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से कहूंगा, सबसे पहले दोष इसमें हरियाणा सरकार का और हरियाणा की कानून व्यवस्था की ढुलमुल नीति का जो है, और उसके लिए हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ आपने नाम जो लिए, उसमें मैं कहूंगा कि हमारे विधायक का कोई हिंसा में किसी तरह का कोई रोल नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और जिन औरों का नाम ले रहे हैं, उनको तो उस घटनाक्रम से पहले का साक्ष्य है उनके, और सारी चीज है उसमें। उनके खिलाफ कोई हरियाणा सरकार ने कार्रवाई नहीं करी, और यही जो कार्य विफलताएं हैं अपनी, उनको छुपाने के लिए मैं समझता हूं कि सच्चाई पे ये हरियाणा की सरकार जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए सच्चाई को कभी उजागर नहीं होने देगी। इसी कारण हम हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन दोषियों के कार्रवाई जो खुद सरकार अपनी कमी की वजह से जो उसमें संलिप्त है, तो वो कैसे किसी दो करेगी। इसी वजह से बेगुनाहों को जो है इसमें संलिप्त करा जा रहा है। मंत्री जी, मोनू मानेसर के अलावा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौर रक्षा दल से जुड़े हुए हरियाणा के तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोगों के नाम राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट में खोले हैं, जिन्होंने या तो नासिर जुनैद को मारा है या मारने वालों की मदद की है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए आपके क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि गौर रक्षक के भेष में जो लोग थे, वो पूरी तरीके से आज समाज के सामने, प्रदेश के सामने उनका किरदार जो है, और उनका हम पहले दिन से कह रहे थे ये गौर रक्षक नहीं है, ये गौर रक्षक के भेष में ये जो है नरभक्षक हैं, और वो आज आपके सामने हो गया किस तरीके का उनका किरदार है, किस तरीके से बड़े बड़े गिरोहों के साथ मिलके उनकी मंशा है, और क्या उनके दिमाग में चलती है, और किस तरीके से हरियाणा सरकार का संरक्षण प्राप्त था। आप इसको बात को भी देख सकते हैं, अपने घर पे बेफिक्र होके इतने बड़े इलाके में बद अमनी फैला के वो अपने घरों में रह रहे थे, और एक चुने हुए विधायक को इस मामले में अपनी विफलता को छुपाने के लिए, अपने उसके करने के लिए नाजायज तरीके से उसका नाम लेके उसमें करने का, और आज जो पुलिस रिमांड पूरा हो गया, कोई सबूत आज के दिन हम आपके सामने करें हमारे विधायक के खिलाफ ये नहीं जुटा पाए हैं। ये निरंतर बिल्कुल झूठा जो है मुकदमा उनके ऊपर अंकित किया गया है। मंत्री जी, एक पक्ष के तकलीफ बजरंगी, मोनू मानेसर और सत्य बल्लभगढ़ का एक शख्स दिख रहा है, ऐसे लोगों की मैं क्या हमारे विधायक साथी चौधरी इलियास ने यही कहा, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और हम भी आज कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और मोनू मानेसर को भी जो उसकी जो वीडियो वायरल थी उससे पहले का, उसने कोई मुकदमे में नहीं लिया है। वो तो जब फिर से जल अभिषेक होगा उसकी एक वीडियो पे मुकदमा किया गया। इनकी कार्रवाई इसीलिए तो हम कह रहे हैं बदनीयती सरकार में है, और ये जो भी दोषी हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के इलाके के लोग हैं, चाहे वो यात्रा के दौरान असामाजिक तत्व जो उसमें शामिल होके हथियारों के साथ जो यात्रा करने आए थे, हमारी समझ से परे है यात्रा में, के धार्मिक यात्रा में हथियारों के सामने कहते हैं, और ये हम नहीं कह रहे। इस सरकार में केंद्रीय मंत्री जो यहां से सांसद है, उन्होंने कहा हुई बात है, और उसके बाद भी ये सरकार कहती है ये तो पूर्व नियोजित संयोजित है, तो आज तक क्यों नहीं तथ्य आई है किसी तरीके से। हम ये मानते हैं सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बेगुनाहों पे कर रही है, और एक तरफा कार्रवाई कर रही है, और उसी क्रम में इन्होंने हजारों लोगों के आशियानों को, उनके दुकानों को, उनके व्यवसायों को खत्म करने का काम किया है, अवैध निर्माण के नाम पे और नाजायज निर्माण के नाम पे। हम सब इन चीजों के वजह से ही आपके माध्यम से कह रहे हैं, हम आज भी अपनी उसी मांग पे हैं, दूध का दूध पानी पानी होगा। और इस बात में कह सकता हूं हरियाणा के लोगों ने इस बात को भांप लिया, और इसी चाहे वो किसान यूनियन हो, खाप पंचायत हो, उन्होंने इन सब चीजों को देखने के बाद हरियाणा सरकार की इस विफलता को देख के पूरे हरियाणा ने बहुत इसमें एक जो है शांति बनाने का काम किया। इस आग को जो ये इनकी शरारत हुई उसको पे पानी डालने का काम किया, और उसके लिए हम आज भी आपके माध्यम से, हमने 4 तारीख को भी शुक्रिया अदा कर आज भी करा। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें शांति और अमन की इसमें हमेशा थी, इस तरीके का वातावरण कभी नहीं रहा, लेकिन 2014 से क्यों बीजेपी के राज में इस तरीके हो रहा है, इसी बात के सवाल जो है
आपके सामने हम खड़े कर रहे हैं और यही कार्यशैली। मोनू मानेसर खुलासे पर खुलासे कर रहा है, लेकिन बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा हो, विश्वेंदु परिषद से जुड़े लोग हो, वो अभी भी कह रहे हैं कि मोनू को नाम पर कानूनी मदद करेंगे, बल्कि मोनू निर्दोष है, उसको गलत फंसाया जा रहा है। आप क्या कहें? मैं यही कहूंगा, आज गृह मंत्री जो है, जो बड़ी बड़ी क्लीन चिट देते थे और जो पुलिस अधिकारी देते थे, वो आए और आज इस चीज के लिए उनके करें कि क्या मोनू मानेसर अब भी इनकी नजरों में जो है वो दोषी नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जब ये हुआ भी नहीं था, जब शेखपुर का मामला था, कि ये गौ रक्षा के नाम पे नरभक्षक हैं, अपना एक रैकेट चला रहे हैं, अपनी एक जो है एक व्यवसाय चला रहे हैं और उसकी एवज में इस इलाके के भाईचारे को खराब कर रहे हैं।